हर साल ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट रैदर मुझे कहना चाहिए 800 टू 1000 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जेई मेन में परफॉर्मेंस काफ़ी पीछे होती है, लेकिन आईआईटी जेई में अपनी टॉप आईआईटीज में एक सीट को पक्का कर लेते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो को रिलीज़ किया था जिसमें एक स्टूडेंट के बारे में बताया था जो एनआईटी तक सिक्योर नहीं कर पाया था, लेकिन आईआईटीज में अपनी सीट उसने पक्की कर ली थी। उस वीडियो पर काफ़ी कमेंट्स ऐसे थे कि सर ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में और बताइए, इतना मोटिवेशन मिलता है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं वो सारे सीक्रेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो और फॉलो करो कि अगर जेई मेन में आपकी 90% से ऊपर है तो सर्टेनली आपके आईआईटी एंट्रेंस के चांसेस बहुत हाई हैं, और ये क्या किया जा सकता है, ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस के ऊपर आप अगर 90% से ऊपर है जेई मेन में तो आईआईटी में अपनी सीट को बनाने में पूरी तरह से होपफुल रह सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है और कैसे किया जा सकता है। मैं एक एक्चुअल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि अपने पढ़ने के तरीके को कैसे ट्वीक करना है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। काफी वीडियोस में ऑलरेडी रिलीज कर रहा हूं जेई एडवांस की बूस्टिंग के लिए कि आप किन फैक्टर्स के साथ या क्या नहीं करना चाहिए, उन फैक्टर्स के साथ आप अपनी जगह बना सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आई विल शेयर 3 फैक्टर्स जिनके बेसिस के ऊपर आप अपनी आईआईटी में सीट को पक्का कर सकते हैं। तीनों फैक्टर अपनी पढ़ाई के तरीके में इन्फ्यूज कीजिए। वेरी फर्स्ट इज फोकस ऑन मिस्टेक्स, नॉर्मल नहीं, सिर्फ अपनी गलतियों को रिकलेक्ट नहीं करना है, कुछ तरीके हैं स्पेसिफिकली जिससे आप अपनी गलतियों को पकड़ के ठीक कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज सॉल्व्ड एग्जांपल्स, दिस कॉल्ड मेथड ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो सबको करना ही चाहिए एटलीस्ट पीवाईक्यूज के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज, प्रीवियस मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो आपने पिछले 2 साल में जितने भी मॉक पेपर्स एडवांस लेवल के दिए हैं, बट दीज शुड बी जेन्युइनली एडवांस लेवल। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को एक फॉल्स बूस्ट करने के लिए या जस्ट मेंटल कंफर्ट देने के लिए इतने इजी पेपर बना देते हैं, इतने फंडामेंटल पेपर बना देते हैं ताकि स्टूडेंट को लगता है मेरी एडवांस की तैयारी ऐसी चल रही थी। अगर आपके साथ भी आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि स्टूडेंट्स अपनी एक फेक प्रिपरेशन के अंदर रह जाते हैं। जेई एडवांस का पेपर इतना फंडामेंटल भी नहीं होता कि खटाखटाप करते चले जाए। तो आपके जितने भी पेपर में क्वेश्चंस हैं, बट ये मैं जरूर बता सकता हूं, चाहे कैसा भी इंस्टीट्यूट रहो, आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन जरूर एडवांस लेवल के इनोवेटिव रहे होंगे। उन क्वेश्चंस को जब आप पहली बार में नहीं कर पाए थे तो उनकी मिस्टेक्स को बहुत स्ट्रांग लेवल पे अपना रिव्यू लेना ही है, दिस इज एसेंशियल। तीसरा पॉइंट होता है इमीडिएट रेक्टिफिकेशन। आप जब भी कोई मॉक पेपर्स करेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के पेपर्स करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो सेम डे रात को सोने से पहले उसके सॉल्यूशंस को एनालाइज करके उनको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, और उन मॉक पेपर के इन क्वेश्चंस को जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए वो अगले दिन वापस से करने और देखना है कि आप कितना रिकलेक्ट कर पाते हैं। थिंकिंग ब्लॉकेजेस सबसे बड़ी चीज़ है कि थिंकिंग ब्लॉकेजेस को समझना है। थिंकिंग ब्लॉकेजेस कैसे क्लियर होती है, मैं एक रियल एग्जांपल फिजिक्स के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जो आपको अभी अपनी प्रिपरेशन में इन्फ्यूज करना है। लेट मी क्लैरिफाई द बोर्ड, पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें, थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स, पोजी ने आपके सामने क्वेश्चन रिवील करके रखा है, मैं क्वेश्चन को रीड आउट बुक में से कर लेता हूँ। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन जी एडवांस 2021, रिसेंटली पूछा गया था। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, देखना। ज़्यादातर स्टूडेंट जिनकी जी मेन लेवल की तैयारी होती है वो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाता है ये एलियन जैसा क्वेश्चन है, और ज़्यादातर केसेज में दे रियलाइज। अभी और कई वीडियोज में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने को, हिट करने को लेके आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बट पहले इसके बारे में देखते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू ओपन अप योर थिंकिंग ब्लॉकेजेस, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इट सेज अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैरीज एन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब विद सम एयर, दिखाई दे रही है, एक टेस्ट ट्यूब उल्टी पड़ी हुई है। द टेस्ट ट्यूब हैज अ मास ऑफ 5 ग्राम, टेस्ट ट्यूब का मास 5 ग्राम है, मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेटा ले लेते हैं, मास ऑफ टेस्ट ट्यूब 5 ग्राम है और उसकी डेंसिटी दी गई है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दिस सिचुएशन अगर आप ध्यान से देखें तो प्रैक्टिकली साफ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब यहाँ पे आ जाता है 5 / 2.5, दिस ट्वाइस, दिस 2 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास ट्यूब। कहाँ काम आएगा भी देखेंगे। एडवांस के क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते अगर दिमाग को ब्लॉक नहीं करना है तो जितना डेटा मिल रहा है उसको एनालाइज करते हुए साथ चलना चाहिए। कभी भी लंबे लंबे क्वेश्चन में घबराहट दूर हो जाती है अगर साथ में काम करते चलो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप ऐसा करते थे या जे
जेई एडवांस के क्वेश्चन पूरा पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते थे. अगर कहीं पे भी गैप आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो और इस आदत को यहीं पे छोड़ के जाना. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इट सेज इनिशियली द बॉटल इज सील्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10^5 pascal. पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया 10^5 pascal जिस पे ये बॉटल को सील करके बंद किया गया है. नाउ इन द सिचुएशन इट सेज द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर इसके ऊपर जो, क्योंकि उल्टी टेस्ट ट्यूब डाली गई. ऐसे एक क्वेश्चन मैंने वेकअप सीरीज के अंदर मॉर्निंग में कराया था, वॉल्यूम सॉरी एपिसोड 11 में देख लीजिएगा. इस तरह के क्वेश्चन को मैंने हैंडल करना भी बताया. नाउ इट इज सेइंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर इज 3.3 cc. वी नॉट दिया हुआ है 3.3 cm³. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट की इतने लंबे क्वेश्चन को एक बार में रीड करते हुए अगर आप डेटा को कंपाइल करते जा रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग बनाते जा रहे हैं तो क्वेश्चन के सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है. और ज़्यादातर क्वेश्चन जे एडवांस में इसी तरह के होते हैं. नाउ इट इज सेइंग व्हेन बॉटल इज स्क्वीज्ड, बाहर से पकड़ के इस बॉटल को, मान लो ये कोई बिस्लरी या कोई वाटर बॉटल है मिनरल वाटर की, प्लास्टिक की, उसको पकड़ के स्क्वीज करो तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो इट इज सेइंग ड्यू टू प्रेशराइजेस द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर रिड्यूसेस. तो अंदर जो ये एयर ट्रैप हो रखी है उल्टी टेस्ट ट्यूब में वो कम होगी प्रेशर बढ़ने से. अब यहाँ तक आते आते क्या होगा, थिंकिंग ही ब्लॉक कर देगी स्टूडेंट को. जिसकी जेई मेन की प्रिपरेशन है वो इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते छोड़ देगा, यार पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी तो चीज़ें कभी सपने में भी नहीं सोची ना हमारे इंस्टीट्यूट ने पढ़ाई, तो अब सॉल्व कहाँ से करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, आप मान के चलो जेई एडवांस में क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं, इससे ब्लॉक नहीं करना है. कॉन्सेप्ट आई कैन गारंटी, आई कैन अश्योर यू, जितने आपने हमारे रिविजन चेकलिस्ट में फिजिक्स में करें या मैथ्स केमिस्ट्री, जिन भी आपने अच्छे टीचर से पढ़ाई किया, भले जेई मेन लेवल पर किया है, वो कॉन्सेप्ट एफिशिएंट हैं आपके जेई एडवांस को फोड़ने के लिए. लेकिन आपको इस लेवल की थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी. नाउ इट इज सेइंग द प्रेशर इनसाइड राइजेज एंड वॉल्यूम रिड्यूसेज. इट इज फाउंड दैट द टेस्ट ट्यूब बिगिन टू सिंक एट अ प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी. जब ये पी नॉट में प्लस डेल्टा पी प्रेशर बढ़ जाता है तो ये डूबने लगती है. और आप सबको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कब करता है, जब उसका वेट और बॉयंसी फोर्स बराबर होते हैं. वेट थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो वो सिंक करता है. अब ये टॉप पे ढक्कन पे चिपकी हुई है, इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि बॉयंसी फोर्स ज़्यादा है. आप चाहें तो निकाल के देख लीजिए, अंदर का एयर वॉल्यूम 3.3 है, ये 2 है. तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल्स टू लिक्विड डिस्प्लेस 2 + 3.3 = 5.3 मल्टीप्लाइड बाई रो ऑफ वाटर. दिस कम्स आउट टू बी 5.3 ग्राम. यानी 5.3 ग्राम फोर्स ऑफ बॉयंसी और टेस्ट ट्यूब का मास 5 ग्राम है, इसलिए ये ऊपर ढक्कन पे चिपकी हुई है. अगर खोल देते तो शायद ये बाहर भी जम कर जाती, क्योंकि बॉयंसी फोर्स 0.3 ग्राम से ज़्यादा है. इन दिस सिचुएशन अगर स्क्वीज करते हैं और डूबने लगती है तो एट सिंक जो कंडीशन होगी, यहाँ से समझ में आ रही है, ध्यान से पूरी बात सुनना और फिर मैं बताऊँगा कि आपकी थिंकिंग ब्लॉक कैसे दूर होते हैं. एट सिंक हम ये कह सकते हैं बॉयंसी फोर्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 5 ग्राम होना चाहिए. तो टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम तो 2 ही रहने वाला है, तो ये तो 2 ग्राम ही वाटर को डिस्प्लेस करेगी. दिस वी नॉट शुड बी रिड्यूस्ड बाई 0.3 ग्राम. तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं दिस शुड बी 2 + 3 ग्राम. दैट मीन्स जो डेल्टा वी है, जो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ 0.3 ग्राम. ये बात समझ में साफ सुथरे शब्दों में आ रही है कि 0.3 cm³ इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर विच इज़ रिड्यूस. अब आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखें, सिचुएशन एनालाइज करते हुए चलेंगे, तो ये पूछ रहा है कि हमको कैलकुलेशन क्या करनी है. एक तो प्रेशर डेल्टा पी जो इंक्रीज हुआ, भैया ये निकालो स्क्वीज करने से कितना बढ़ गया. दूसरा ये निकाल के बता दो कि वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो गया. देखो एक आंसर तो सीधा निकल के ही आ गया, यानी इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमने पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर लिया. दूसरा पार्ट पूछा गया डेल्टा पी कितना होगा, तो मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्टली छोड़ देता हूँ. यार बॉयल्स लॉ सबको पता है, P1V1 = P2V2 कर दो. इनिशियल प्रेशर पी नॉट था, वॉल्यूम हमको पता है इनिशियल 3.3 था, P2 हो गया 10^5 + ΔP, और V2 आपके सामने है, इट विल बी 3, क्योंकि 0.3 रिड्यूस हो गया, तो P2 तो वैसे ही निकल के आ गया, डेल्टा पी आ जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आपको ये बताऊं कि ये खोदा पार्ट निकला चूहा जैसा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं. बॉयंसी फोर्स से डायरेक्टली डेल्टा भी निकल गया और बॉयल्स लॉ से आपके पास प्रेशर निकल के आ गया. सो एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन अपने थिंकिंग ब्लॉकेज की वजह से आदतन स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ते चले जाते हैं. एग्जाम में प्रेशर बिल्ड होता है और जेई एडवांस के पेपर में शुरू में ही 1.5 घंटे में घबरा के बैठ जाते हैं और मान लेते हैं हमारा नहीं हो सकता. सो स्टूडेंट, इफ यू गेन कॉन्फिडेंस तो इसी क्वेश्चन में ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर ये एग्जाम में आया होता और आपने दिया होता तो किस जगह पर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते. मैंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन लिया, अभी कई सारे लेने वाला हूं अपकमिंग वीडियोज में, विच विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैसे इन क्वेश्चन पर अटैक किया जाता है. क्वेश्चन में एक्चुअली ध्यान से देखो, खोदा पहाड़ निकला चूहा है या नहीं है, समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो. पोजी क्वेश्चन को क्लियर करके अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्लीज क्लियर इट.
थैंक यू। अब अगर हम देखें तो अपने थिंकिंग ब्लॉकेजेस का पर्पस यही है कि आप हर जेई एडवांस के क्वेश्चन में, मैं तो यही कहूंगा जो हमारी जेई एडवांस की पीवाईक्यू बुक है इसके सॉल्यूशन इतने डीप और कॉम्प्रिहेंसिव हैं, इस बुक को फॉलो ज़रूर कर लो और इसके सॉल्यूशन जब पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हो कि मैं इस जगह पे क्वेश्चन एग्जाम में आता ईमानदारी से छोड़ के जाता या जाती, तो उस पॉइंट को मार्क करो, यानी ईमानदारी से अपनी गलती को अकेले में एक्सेप्ट करो कि अगर ये जेई एडवांस में आता तो मेरी जैसी जेई मेन की तैयारी उससे तो मैं इस जगह पर क्वेश्चन को पढ़ते हुए छोड़ देता या छोड़ देती और उस पॉइंट के बाद मेरी थिंकिंग ब्लॉकेजेस का नुकसान होता जबकि क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा कि जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन उस लेवल पे हैं, लेकिन आप रियलाइज करेंगे इसको कि जब आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो मोर देन 60% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा जो भी आप छोड़ आते हैं। तो अगर हिम्मत है, ताकत है, तो अपनी ब्लॉकेजेस को हटाइए, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे, हर क्वेश्चन को पूरा फॉलो करते हुए समझ के अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, मोर देन 50% क्वेश्चन आप चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स करी जाओगे। लास्ट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ब्लॉक स्ट्रेटजी, अगर इस ब्लॉक स्ट्रेटजी के साथ आप चलते हैं जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, जेई एडवांस को हिट करने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की सिंक्रो स्टडी यानी फ्यूजन स्टडी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करनी है और ब्लॉक स्ट्रेटजी इज द बेस्ट मेथड टू इन्फ्यूज ऑल द सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल प्रिपरेशन इन लास्ट 30 to 45 डेज। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो लिंक पिन कमेंट में है, आप इमीडिएटली इस वीडियो को देख के लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और सिस्टमैटिक तरीके से इसे फॉलो कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमीडिएटली ज्वाइन आवर टेलीग्राम एट t.me/galaxyworld। इस पे जो भी ब्रेन टीजर्स आ रहे हैं और जो ब्लैकबोर्ड प्रॉब्लम्स हैं अलॉन्ग विद द अदर रिसोर्सेज आपकी जेई एडवांस प्रिपरेशन में, आपकी थिंकिंग को OTBT लेवल पे ले जाने में, दिस गोइंग टू बी द मोस्ट हेल्पफुल सिस्टम। सो माय डियर स्टूडेंट, आपका जेई मेन कैसा भी गया है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए पूरी जान लगा के बिना थके बिना रुके बिना हारे फिनिश लाइन की तरफ दौड़ते रहना है और जो मैंने आपको बताया इन फैक्टर्स को फॉलो करो और फाइनली आप अचीव करोगे जो बेस्ट डिजर्विंग लेवल हो सकता है एंड फाइनली यू आर गोइंग टू हिट इट, क्योंकि जो फिनिश लाइन की तरफ देख के दौड़ता है आप ये मान के चलो वो किसी और को नहीं देखता, कॉम्पिटिटर को नहीं देखता, अपनी फिनिश लाइन को क्रॉस करने के ऊपर पूरी जान लगाता है, वही आपको करना है और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके जाना यू आर गोइंग टू फॉलो दीज मेथड्स टू हिट अ सीट इन IIT JEE दिस ईयर ओनली। विश ऑल द बेस्ट।